नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर वासियों के लिए बड़ी खबर है। बीसलपुर प्रोजेक्ट का शटडाउन शुरू हुआ है। जयपुर में 30 घंटे तक जल संकट देखने को मिलेगा, त्राहिमाम और हाहाकार मचा रहेगा। तो वहीं बीसलपुर से जयपुर आने वाले पानी को रोका गया है। पाइपलाइन से पानी खाली करने के बाद काम शुरू हो सकेगा। 41 और 5 किलोमीटर की दूरी पर लीकेज को ठीक करना बड़ी चुनौती। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या 30 घंटे में ठीक हो जाएगा बीसलपुर प्रोजेक्ट का बड़ा लीकेज। सहयोगी आशीष हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं, उनसे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। आशीष, 30 घंटे का ये शटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि दो जगहों पे बड़े लीकेज है जिसे ठीक करना है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले पानी को पाइपलाइन से खाली करना होगा, उसके बाद काम शुरू हो पाएगा। क्या 30 घंटे में हो पाएगा काम? देखिए, वही जलदाय विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से बीसलपुर प्रोजेक्ट है वो बार बार लगातार वहां पर लीकेज हो रहा है, और लगातार जिस तरीके से जो शटडाउन की स्थिति देखने को मिल रही है उससे जयपुर वासियों को परेशानियां हो रही है। जल संकट की स्थिति लगातार जो जयपुर शहर में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चीफ इंजीनियर के मुख्यालय में पहुंचते हैं, जल भवन पहुंचते हैं, तो 10:45 बजे तक भी जो चीफ इंजीनियर शहरी है केटी गुप्ता, वे दफ्तर तक नहीं पहुंचते हैं। 9:30 बजे का वक्त निर्धारित होता है आने का, लेकिन यानी कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग है वो पूरी तरीके से फेलियर साबित हो रही है। ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से हमने दिखाया था, हम बार बार यही बता रहे हैं कि जो लीकेज बार बार हो रहे हैं, आखिरकार उसका जो बार बार जो लीकेज हो रहे हैं उसकी जो ठीक बार बार क्यों नहीं किया जा रहा है, और क्यों बार बार इस तरह के लीकेज जो है सामने आ रहे हैं, क्यों बीसलपुर की जो प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है वो वेंटिलेटर पर बार बार आती है, बार बार शटडाउन लेना पड़ता है, और जयपुर की जनता को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहले से इस बार बताया नहीं गया था, अचानक से ये लीकेज हुआ है। और देखिए, कल जब वहां से सूरजपुरा से शटडाउन के दौरान पानी छोड़ा गया तो उस दौरान भी देख सकते हैं कि काफी प्रेशर कम होता है, लेकिन प्रेशर कम होने के बावजूद भी ये जो लीकेज है बॉल पटना वाकई सवालों के घेरे में है, और इस तरह से लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि बार बार इस तरह से आखिरकार शटडाउन क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों जनता को बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि 30 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा और उसमें तो दोनों लीकेज है उसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई 30 घंटे के भीतर ये शटडाउन में ठीक हो पाएगा ये लीकेज? क्योंकि जिस तरीके से पहले भी लगातार शटडाउन लिया गया था और शटडाउन के दौरान हमने देखा था कि बार बार जो समय की मियाद है वो लगातार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर सवाल ये है कि क्या 30 घंटे के भीतर जयपुर की जो शटडाउन है, बीसलपुर का शटडाउन है, उसके दौरान पूरा काम कर लिया जाएगा? और इस तरीके से लगातार जो लीकेज है वो बड़ा सवाल है कि बार बार लीकेज क्यों हो रहे हैं, पुरानी लाइन हो गई है तो उसका जो वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था है वो क्या रह सकती है, क्योंकि बार बार जयपुर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अचानक से शटडाउन लेना पड़ता है। ये शटडाउन पहले से निर्धारित नहीं था, सिर्फ 6 घंटे का शटडाउन कल का निर्धारित था, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल आशीष, बार बार इस तरीके की समस्या और इसका खामियाजा जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि 30 घंटे में जो लीकेज सुधार है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए आशीष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।